पर्सनल ब्रांड बनाओ, वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, एलिवेट योर पर्सनल ब्रांडिंग। आपने भी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत सुना होगा, बहुत सारा बस चल रहा है, बट द रियल क्वेश्चन इज पर्सनल ब्रांडिंग करे कैसे, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। द सिंपल आंसर इज स्टोरी टेलिंग, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्टोरी टेलिंग को यूज करके स्टेप बाय स्टेप अपना पर्सनल ब्रांड अप कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बचपन में मैथ्स में कौन सा फॉर्मूला याद किया था क्लास 4 में, तो शायद आपको ना याद हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बचपन की सबसे फेवरेट स्टोरी क्या है, इंस्टेंटली यू विल हैव एन आंसर, एंड दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसीलिए जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात आती है, स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू हेल्प यू बिल्ड योर रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू बोले तो कि लोग आपको कितना याद करते हैं, कब तक याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। सो दैट वॉज द रीजन स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। सो वेन यू आर क्लियर विथ वाई, द नेक्स्ट थिंग कम्स कि आप अपना पर्सनल ब्रांड की स्टोरी बनाएं कैसे, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड स्टोरी और हाउ टू क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड स्टोरी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें मैंशन करने वाला हूँ विच विल हेल्प यू इन कमिंग अप विथ योर पर्सनल ब्रांड स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है आपने, देन टॉक अबाउट योर अचीवमेंट, क्या क्या आपने किया है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या आपके वैल्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है और फिर सिखाया है, एंड दिस इज़ हाउ यू क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड। सो थिंक अबाउट कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी जर्नी क्या है, आपकी लर्निंग्स क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं। जब आप ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करते हो, दिस हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अप और क्राफ्टिंग योर पर्सनल ब्रांड। अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आइए बात करते हैं दो लोगों की। एक पहला इंसान जो कि एक बहुत ही बड़े घर में पैदा हुआ, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, सारे साधन थे, ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द मनी, ऑल द पावर वॉज देयर, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अनदर सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम दैट फैमिली। नाउ इज दैट स्टोरी इंटरेस्टिंग? सम ऑफ यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज, नो कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टोरी, जहाँ पे एक इंसान है जो कि बहुत ही गरीब घर से था और उसने पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेहनत करते 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 उसने एक अपना पहला कंपनी सेटअप किया, देन ही एक्सपेंडेड एंड देन ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट, ही गॉट राइट पीपल, एंड उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, एंड देन ही इज इंडियाज लीडिंग बिजनेस अंपायर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट धीरू भाई अंबानी। नाउ डज दैट स्टोरी सीम्स इंटरेस्टिंग? क्योंकि उस स्टोरी में क्या है, देयर आर फ्यू थिंग्स। नंबर वन, उस स्टोरी में एक ऐसा प्रोटागनिस्ट जिसको कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है जिसके लिए आप रूट करते हो, लाइक यस आई वांट दैट पर्सन टू बी सक्सेसफुल। नंबर टू, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, लोग नहीं है, सो यू फील फॉर दैट पर्सन। अगर किसी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे पहली स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सो इट वॉज नॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सिमिलरली वेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड, वाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस इज वेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड, मेक श्योर दैट यू आर शोकेसिंग योर चैलेंजेस, योर कॉन्फ्लिक्ट्स, योर जर्नी। नाउ दैट चैलेंज कुड बी ह्यूज और वास्ट, और इट कुड बी स्मॉल एज वेल, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कंपेलिंग पर्सनल ब्रांड, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज आपको दिखाने होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जो भी आपने फेस किए होंगे, डोंट मेक इट अप फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, यू हैव टू शोकेस दैट। सो दैट इज द एलिमेंट, एंड देन यू हैव टू टेक इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैसे वो सॉल्व हुआ, आपके क्या वैल्यूज हैं, और कैसे ऑडियंस आपसे रिलेट कर सकते हैं। जब यू एड ऑल ऑफ दिस थिंग्स लाइक हु इज द प्रोटागनिस्ट, मोस्ट लाइकली अगर आपकी पर्सनल स्टोरी है, इट शुड बी यू, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज और ऑब्स्टेकल, उसको आपने कैसे ओवरकम किया, सो बेसिकली द रेजोल्यूशन, व्हाट वेयर सम ऑफ द वैल्यूज, द प्रिंसिपल जो आपने फॉलो किए जिसपे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और हाउ इट कैन रिलेट टू द ऑडियंस, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम। व्हेन यू बिल्ड योर पर्सनल स्टोरी अराउंड दीज एलिमेंट्स, दैट्स वेयर इट बिकम अ कंपेलिंग पर्सनल ब्रांड। Let's now talk about where and how you should put your personal story across. So how do you share your personal story? Where should you share and how you should share? This is a very very crucial question, because बहुत सारे लोगों को ये idea नहीं होता है कि हमने personal story अगर build भी कर ली, personal branding कर भी ली, तो उसको कैसे लोगों तक पहुँचाएं। यानी it is very very important कि आप उसके लिए सही medium choose करें। So जो मोटा मोटा या हाई लेवल पे कुछ तरीके होते हैं, वन इज़ वीडियो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं वीडियो में पर्सनल ब्रांडिंग। सेकेंड इज़ यू राइट,
सो वीडियो कुड बी गो ऑन यूट्यूब फेसबुक और अदर सोशल मीडिया रिटेन कॉन्टेंट वेयर यू राइट योर पर्सनल स्टोरी कैन गो इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग यू कैन राइट ऑन मीडियम एंड अदर प्लेसेज इट कैन ऑल्सो गो इन द फॉर्म ऑफ अ बुक लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड अ सुपर पर्सनल ब्रांड इज राइटिंग योर ओन बुक I am pretty sure you can see the book. When I wrote the book Small Town Bigger Dreams, that has really took my personal brand to the next level. And this book is all about my journey, my lessons from the last so many years I've been born. Okay. The third is of course the social media. Choose ki aap kahan pe kya kaise post kar rahe hain. Be careful and be mindful of ki wo social media kis audience ko cater karta hai. Number four, getting very popular. It is very popular outside India and getting popular now in India is the power of podcast. Now, हमारा भी एक confidence storytelling का podcast है. If you want to go check out, हर week हम उसमें नया content करते हैं. But these are some of the ways where you can use your personal branding, personal stories using the storytelling. So videos, कुछ text या written form, your social media tech posts and your podcast. Now, let's talk about what could be some of the challenges you will face and how you can overcome. So, जब आप इस जर्नी पे जाते हो पर्सनल ब्रांडिंग की एंड स्पेशली यूजिंग स्टोरी टेलिंग देर विल बी मेनी चैलेंजेस. आई एम नॉट गोइंग टू से इट इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेज अ पीस ऑफ केक और बहुत ही आसान हलवा सा होगा. इट्स नॉट, इट्स टफ, बट दैट इज वेयर यू विल गेट द रिवॉर्ड, राइट. अगर वो सब चीज आसान हो तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा, राइट. सो देर विल बी चैलेंजेस एंड देर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री चैलेंजेस दैट यू विल फेस एंड हाउ यू कैन ओवरकम दैट. नंबर वन चैलेंज पीपल फेस इज बीइंग वल्नरेबल. कैसे हम अपनी स्टोरी, कुछ बार बहुत ही पर्सनल स्टोरी है, कैसे हम शेयर करें. नाउ यू हैव टू गेट इन टू द माइंड सेट ऑफ अ गिवर, विच मीन्स दैट योर स्टोरी इज नॉट फॉर यू, स्टोरी इज फॉर योर ऑडियंस. वेन यू गेट टू दैट पर्सपेक्टिव दैट ओके माई जर्नी माइट इंस्पायर समबडी एल्स, दैट्स वेयर यू विल कम आउट ऑफ योर vulnerability. And second thing is you don't have to share all the vulnerability in one post or one story and all. You can choose to share what you want to share. थोड़ा थोड़ा अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल स्टार्ट शेयरिंग अ लिटिल बिट एंड देन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स शेयर अ लिटिल बिट मोर. यू डोंट हैव टू गो बिग बैंग इन द वेरी फर्स्ट पोस्ट और वेरी फर्स्ट वीडियो और वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट. नंबर टू, दैट इज अ बिगर चैलेंज एंड स्पेशली इफ यू हैव अ ब्रांड ऑफ योर ओन, दैट हाउ डू यू अलाइन योर पर्सनल ब्रांड विथ योर बिगर ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं एंड देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. There may be some conflicts coming up. Now, in that case, make sure that you are covering your ground, you do your research, and you're not doing something which is in conflict with where you work or what you do. So you have to be, as they say, you have to be aligned at any place. ये थोड़ा सा difficult है, but once you start working on it, you'll figure it out. और जो तीसरा है, जो कि बहुत ज़्यादा important है, which is lot of people don't have the right skill of storytelling. आपको अपनी stories लिखने नहीं आती हैं, आपको story बोलने नहीं आती हैं. So what can you do about that? Number one is of course learn from anywhere, learn from YouTube, podcast and other places. But if you really want to go to the next level, I highly recommend that you consider joining a program. You can join our program, Confidence Storytelling Hub, or you can join any other similar program. There are many other programs which are very good, which can help your path short. What I mean by that is there is all information is available in YouTube and podcast and Google, but there is no problem of information. There is a problem of plenty. अगर आप एक चीज सर्च करने जाओगे आपको एक मिलियन रिजल्ट मिलेंगे. हाउ डू यू फाइंड दैट, उसमें से कौन से 10 चीजें आपको करनी है एंड बाकी सारी 99% चीजें यू हैव टू इग्नोर. दिस इज वेयर हैविंग एक्सेस टू अ स्पेशलाइज्ड कोर्स हेल्प्स यू. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको रियली पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, स्टोरी टेलिंग सीखना है, सो गेट इनटू अ कोर्स और अ कोचिंग प्रोग्राम विच हेल्प्स यू रियली टाइटन एंड शेप एंड क्राफ्ट योर स्टोरी. सो आई होप आपको आज के इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली हो कि आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल कैसे ले जा सकते हैं, आपको स्टोरी टेलिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने में, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. एज आई से एवरी टाइम अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. दिस इज कोच हरितोष श्रीवास्तव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.